चुनावी सीजन है, ऐसे में बाजार में चारों तरफ नरेंद्र सिंह तोमर के गठजमनी की चर्चा जोरों पर है। इसके कारण तो बहुत से रहे हैं, लेकिन अभी की बात करें तो मुख्य वजह है चुनावी परिणाम आने से पहले दिमनी में रीपोलिंग होना। आइए देखते हैं कौन सी पार्टी के प्रत्याशी कर रहे हैं पुनः मतदान की बात। नमस्कार, मैं रिद्धि, आप देख रहे हैं प्रदेश। दिमनी से बीजेपी के प्रत्याशी एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मैदान में हैं और कांग्रेस ने रविंद्र सिंह तोमर पर भरोसा जताया है। दिमनी में मतदान हो चुके हैं, अब निष्पक्ष रिजल्ट को लेकर लगातार बयानबाजी हो रही है। दिमनी में हुई वोटिंग को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर पर प्रेस वार्ता के दौरान कई आरोप लगे थे कि तोमर होने की वजह से सभी तोमरों के बीच आपसी समझौता हो गया है और रविंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मिली भगत कर ली है, इसलिए वोटिंग के दिन इतने हंगामे के बाद ना तो वो मौके पर दिखाई दिए ना ही उनके कार्यकर्ता दिखे। बस इसी बात की सफाई रविंद्र तोमर ने मीडिया के सामने दी। रविंद्र तोमर ने मीडिया के सामने गंगाजल उठाकर कहा कि वो इतने पवित्र हैं जितना ये गंगाजल है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कोई मिली भगत नहीं की है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके पूरी तरह से चुनाव निष्पक्ष रूप से होने से रोका। उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र सिंह तोमर ने वोटिंग के दिन अपराधियों को विधानसभा इलाके में फैला दिया था और लोगों को घरों से निकलने से रोका, मारपीट की, धमकाया और पोलिंग बूथ से उन वोटरों को लौटाए जो कांग्रेस को वोट देने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र सिंह तोमर ने लोकतंत्र की हत्या कर दिमनी में मनमानी से वोटिंग कराई है और ये सब निर्वाचन आयोग मूकदर्शक बनकर देखता रहा। नरेंद्र सिंह तोमर ने सफाई देते हुए कहा कि चुनाव के दिन पोलिंग डंप की गई। उन्होंने 97 पोलिंग को संवेदनशील बोलकर सुरक्षा मांगी थी लेकिन नहीं मिली और एक सिपाही के भरोसे ये पोलिंग बूथ छोड़ दिए गए। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सब हो रहा था उसकी उन्होंने निर्वाचन आयोग को लिखित में शिकायत देकर मांग की है कि दिमनी के 97 सीटों पर रिपोल कराए। दिमनी में निष्पक्ष रिजल्ट आएगा या नहीं, इस बात पर बहुत संदेह किया जा रहा है। इसी के चलते लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर गति पकड़े हुए है और अब दिमनी के कांग्रेस प्रत्याशी ने केंद्रीय मंत्री पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है। अब देखते हैं कांग्रेस प्रत्याशी की मांग सुनी जाती है या नहीं। फिलहाल इस खबर में बस। देश दुनिया और अपने आसपास की ताजा तरीन वीडियो को देखने के लिए प्रदेश तक को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। साथ ही ऐसी ताजा अपडेट के लिए प्रदेश तक .com पर विजिट करें।